क्योंकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया और बयान के बाद लोकसभा में वो हंगामा मचा कि सभी महिला सांसद बेल के पास खड़ी हो गई और हंगामे के साथ कहने लगी कि माफी मंगवाइए राहुल गांधी से। इस प्रकार के शब्दों का चयन उन्होंने कैसे कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोल दिया रेप इन इंडिया, उसके क्या मायने निकलते हैं, क्यों राजनेता ऐसे बयान देते हैं और कांग्रेस आखिरकार अपने बयानों में सुधार क्यों नहीं करता, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, युद्धघोष के साथ मैं हूं काव्या नौटियाल। देश में लगातार बढ़ती रेप की घटनाओं से पूरा देश का हर एक नागरिक चिंतित है, राजनेताओं को भी चिंतित होना चाहिए और लाजमी सी बात है उनका चिंतित हो जाना। लेकिन अगर चिंतन के दौरान आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दें जो वहां पर वाजिब ना हो, जिनका अर्थ ना निकले, अनर्थ निकले, तो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान जो है, खासकर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, कांग्रेस पार्टी को मुझे नहीं पता ऐसी क्या दिक्कत है कि जब वो बयान देने उतरते हैं तो ऐसा कह जाते हैं कि जो एक मौका जो है पक्ष पार्टी को मिल जाता है, सत्ताधारी पार्टी को मिल जाता है, वो उन पर चढ़ाई कर जाती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अंदाजा इन्हीं से लगा लीजिए। राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान, झारखंड में रैली थी, उस दौरान उन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान बलात्कार की राजधानी है, रेप इन इंडिया उन्होंने बोला और साफ तौर पर सदन में, क्योंकि महिला सांसद थी, सीधे तौर पर घेराव किया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि आपने इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर दिया, आपका कहने का मतलब क्या था कि लोग आए और भारत की महिलाओं का उपयोग करें, उनको उनके साथ उनका इस्तेमाल किया जाए। इन शब्दों के लिए राहुल गांधी माफी मांगे, कार्रवाई की मांग उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर की। और आपने बखूबी देखा कि सदन आज नहीं चलने दिया गया, 12 बजे स्थगित कर दिया गया सदन, उसके बाद दोबारा 12 बजे तक के लिए, क्योंकि स्थगित किया गया था, उसके बाद फिर सदन शुरू हुआ और जैसे ही शुरू हुआ हंगामा भी फिर शुरू हुआ। हंगामा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि भारत की अगर मैं बात करूं, भारत की जितनी जनसंख्या, उसमें महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। चाहे आप आंदोलन में ले लीजिए, चाहे लड़ाइयों में ले लीजिए, चाहे युद्धों में ले लीजिए, आप झांसी की रानी को अगर जानते हैं तो आप इंदिरा गांधी को पहचानते हैं। राजनीति में भी कोई महिलाओं की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हीं महिलाओं के प्रति इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चिंता का विषय हो जाता है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति के साथ खासकर नहीं करना चाहिए। एक तो छोटे मियाँ, दूसरे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह हो जाते हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने 2 दिन पहले यही बयान दिया था और उन्हीं बयानों का ऐसा लगा जिससे राहुल गांधी ने रैली के दौरान दोहरा दिया। और जब दोहराया तो ये भूल गए कि अधीर रंजन चौधरी को तो संसद में महिलाएं घेर ही लेंगी, लेकिन राहुल गांधी से इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए था। नाराजगी हो सकती है, एक राजनीतिक दल की नाराजगी होनी वाजिब सी बात है, लेकिन महिलाओं के सम्मान पर अगर आप ठेस पहुंचा रहे हो तो ये स्वीकार्य नहीं है। नाम जनता इसे स्वीकार करेगी। और बड़ी बात है कि अभी झारखंड में चुनाव भी चल रहे हैं, अभी 2 बारी के चुनाव बचे हैं, अभी दो एक मौके हैं अभी जब जनता उनको हकीकत से रूबरू भी करा देगी। ये जो हकीकतें हैं, ये जब रूबरू होती हैं तो राजनीतिक दलों को एहसास होता है कि आखिरकार हमने कर क्या दिया। आजम खान भी क्योंकि बयानों के लिए बहुत फेमस है, और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो अधीर रंजन चौधरी कहां कम है, वो तो सामुदायिक रूप दे देंगे महिला की सुरक्षा को लेकर। भगवान राम का मंदिर बन रहा है लेकिन सीता सुरक्षित नहीं है, इसका कोई तुक वहां पर बनता नहीं था। 150 साल से जो केस चला वो केस समाप्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर पर फैसला सुनाया, जब फैसला आया उस पर जो भी फैसला बनेगा, जो बन रहा है वो अपनी जगह पर, पुनर्विचार याचिका दायर हुई वो खारिज कर दी गई। तो ये जो चीजें प्रोसेस है, 19वीं जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी वो खारिज गई थी। स्मृति ईरानी ने सदन में नाराजगी के दौरान, विरोध के दौरान क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देती हूँ। एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मौत का हिस्सा बनाता हो, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद हैं, क्या राहुल गांधी का ये मतलब है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी आज
के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। हिंदुस्तान की किसी महिला से पूछी जा सकती अगर आह्वान किया जाए उसके बलात्कार का तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना आता है। आज मैं आप आज की स्मृति ईरानी की थी माफी मांगने की, उन्होंने कहा राहुल गांधी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने ट्वीट भी किया, ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को घेर दिया। उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था तब तो आप सदन के वेल में ना पहुंचे नाराजगी जाहिर करने के लिए, हमने कह दिया तो क्या गलत कह दिया। किसी ने गलत कहा इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी गलत कहने का अधिकार दिया जाता है। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराती हूं, उसके बाद इस डिबेट को शुरू करती हूं। मनोज मिश्रा जी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अंकुश सक्सेना जी हैं मेरे साथ, प्रवक्ता हैं रालोद के त्रिपाठी जी हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी हैं और राजनेता भी हैं। डीपी यादव जी भी हैं, प्रवक्ता हैं प्रसपा के। ओपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। मेरा सबसे पहला सवाल जो होगा वो मनोज जी आपसे होगा, राजनीतिक इतिहास में इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना जब कंटिन्यूस हो रही हो तो आप महिला सम्मान में बड़ा ठेस पहुंचा रहे हैं ऐसे शब्दों का चयन करके। काव्या, दरअसल क्या है कि राजनीति की एक और परंपरा बन गई इस खासकर बलात्कार के मामले में। जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपके शब्द और आपकी भूमिका दूसरी होती है, और जब आप पक्ष में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बचाव और बाकी चीजें मुद्रा में आ पाते हैं। अगर आप बयान की बात करें 2012 का भी बयान हमें याद है। दरअसल राहुल ने जो बयान दिया और उस पर जिस तरीके से लोकसभा में महिला सांसदों का नाराज होना, और कम से कम इस परिस्थिति में जहां पे लगातार अभी दिल्ली के केस पर, फिर आपके हैदराबाद के केस पर, या वो यूपी में जो भी घटनाएं घटी हैं उन्नाव घटनाओं पर लोग बड़े संवेदनशील हैं, लोगों में रोष है, लोग उम्मीद करते हैं न्याय की। तो कम से कम जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनको कम से कम इस राजनीति से जरूर बचना चाहिए। मुझे लगता है ये छदम राजनीति का कहीं नहीं बड़ा संदेश जाता है। दूसरी तरफ कम से कम अगर इस बलात्कार की घटनाएं बढ़े, और बलात्कार की घटनाओं में काव्या जो दुखद है, पहले 10-15 साल पहले भी ये चीजें होती थी, वो भी गलत थी, उस पर कानून की राय और कानून अपना फैसला सुनाता था। लेकिन विगत वर्षों में जो एक नई परंपरा डेवलप हुई कि 6 महीने से लेकर 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की जो लड़कियां या महिलाएं हैं उनके साथ बलात्कार के साथ उनकी विभत्स हत्या होती है। मतलब लोग नया ट्रेंड डेवलप हुआ है। मुझे लगता है कि मौजूदा देखिए सरकारें आती जाती रही, सरकार जब कोई अच्छा काम करती तो इतिहास रचती। जिस तरीके से अभी गृह मंत्री जी, चाहे वो एनआरसी की बात कर ले या हम बात कर ले इस 3 तलाक की, तो मुझे लगता है कि इस मामले में बाकी अभी बैठे हैं वकील साहब, ये बहुत मतलब इस पर जरूर बताएंगे। मेरा ये स्पेशली बलात्कार के मामले में है कि कुछ ऐसे कानून का संशोधन किया जाए, इसमें बहुत चिन्हित तो बहुत चयनित करने का बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं होता है। मेडिकल प्रोसीजर से, फोरेंसिक जांच से और आईओ की रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं चीजें तय हो जाती है। तो इसको लेंदी करने के बजाय कभी कभी न्याय देर से मिलने पर जो याची होता है उसके साथ बड़ा न्याय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजनेताओं के बयानों पर क्या कहेंगे, क्या ऐसे बयान, अधीर रंजन चौधरी का मैं नाम ले लूं, उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार, मैंने देखो दरअसल सामुदायिक रूप दे दिया था। काव्या क्या है ना कि अधीर रंजन चौधरी बेसिकली मैं तो कहूंगा कि वो जब से कांग्रेस ने उनको नेता चयन किया है वैसे मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, वो हमेशा विवादों और अपवादों में ही रहे हैं। और कांग्रेस पता नहीं उनको कहां से क्यों किया, चूंकि उनके बयान बड़े गलत होते, उनके बयान का संज्ञान पाकिस्तान लेकर हमारे देश की जाके फजीहत होती है यूएन में, और फिर मानवाधिकार की बात होती है। और उस बयान को चलो अधीर रंजन के बवाल पे इतना बवाल नहीं हुआ जितना राहुल पे, चूंकि राहुल उस पार्टी के बड़े नेता है, बड़े चेहरे आ चुके हैं, उन्हें तो ख्याल रखना चाहिए। तो अगर ये इन बातों पे बोल रहे हैं, और देखिए अगर आप बोलेंगे तो बात उठा दे, भारतीय जनता पार्टी में मैं बार बार आपसे कहता हूँ, चाहे उनकी महिला नेत्री हो चाहे उनके पुरुष में, इनमें बड़ी खूबी होती है बातों को पतंगड़ इनको बनाना आता है। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी आप देख लीजिए कि स्मृति ईरानी जी किस तरीके से देश में हिमाचल डालेंगे। बिल्कुल। चलिए अंकुर जी क्या कहेंगे आप, बातों का पतंगड़ बनाया गया है या बात ही गलत कही गई है? देखिए काव्या जी, सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक पक्ष में स्मृति ईरानी जी का बयान दिखाया गया है। मैं चूंकि राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन एक ज्योति फैसला जब किया जाता है तर्क वितर्क जब किया जाता है, बयान पता है मैंने नहीं, तो आज बयान, नहीं, 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 बयान आप, तो कल का नहीं, अगर अगर आप राहुल गांधी का बयान सुनेंगे तो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उसको मैनिपुलेट करके माननीय स्मृति ईरानी जी संसद में जो बोल रहे, राहुल गांधी जी ने रेप इन इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, राहुल गांधी उन्होंने रेप इन इंडिया शब्द
राहुल गांधी जी ने राहुल गांधी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी इन इंडिया करेंगे और मेक इन इंडिया की जगह भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश में मेक इन इंडिया हुआ जा रहा है। की अगर बात कर रही है तो आपको यह भी बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस समय सत्ता में होती है तो वो सत्ता के प्रतिमान को अपने हिसाब से प्रतिरूपित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी माननीय सांसद महोदय मंत्री महोदय हैं माननीय स्मृति ईरानी जी हैं जो लोकसभा टीवी चैनल पे बड़ा तेजी से चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये कह रही है कि महिलाओं के लिए कांग्रेस सरकार की तरफ से राहुल गांधी ने जो बोला है वो बहुत खराब मैसेज गया, तो क्या स्मृति ईरानी जी कहीं पे ये दिखा सकती हैं या कहीं पे ये बात साबित कर सकती हैं कि राहुल गांधी ने यह कहा कि परिवार की महिलाओं के साथ गलत काम करना चाहिए? जिस हिसाब से वो गलत इंटरप्रेट कर रही है, उनको ये चीज नहीं देखना चाहिए था कि जिस समय उन्नाव में घटनाक्रम घटित हुआ अगर महिलाओं को लेकर आपके दिल में भावना स्मृति ईरानी कितनी बार उन्नाव में आई आपकी पार्टी का राहुल गांधी को थी तो क्यों ना आगे कह दिया कि गलत हुआ, तब तो मुझे खामोशी थी। नहीं, राहुल गांधी ने कहा तो ये कहा कि मेक इन इंडिया, देखिए राहुल गांधी ने वही शब्द कहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी मेक इन इंडिया का नारा दे रही है और रेप की टीम की जब बड़ी होती है तो स्लोगन देते तो उसका कोई अर्थ होता है? अब अगर आप उस अर्थ में शब्द अपने हिसाब से जोड़ के अनर्थ कर रहे हैं तो अर्थ वही निकलेगा जो अर्थ निकल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है हमारे देश के हैं हमारे लिए माननीय है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब रैली कर रहे थे तो उन्होंने क्या बात कही थी कि दिल्ली जो है रैप कैपिटल हो गई है? उस समय इसको लेकर विपक्ष ने बात बोली तब न्यूज चैनल और विपक्ष की बात पे कितना माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ ये कहते कि हिंदुस्तान बलात्कार की राजधानी आप हिंदुस्तान को बदनाम कर देंगे। हिंदुस्तान को हमने नहीं बदनाम किया है, राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सेंटेंस पूरा बोला जाए। राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो पार्टी सत्ता में मेक इन इंडिया का नारा देके आई है वो इतनी फेल्योर हो गई है शासन एवं सत्ता में कि हिंदुस्तान को मेक इन इंडिया से रेप इन इंडिया की तरफ ले जा रही है। आप ये बताइए अंकुर जी, एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे जी, मेक इन इंडिया का मतलब क्या था? देखिए मेक इन मेक इन इंडिया का बड़ी सौम्यता से जवाब दीजिएगा फिर मैं आपको रेप इन इंडिया का मतलब नहीं, आप पे बताऊं। काव्या जी आप एक बात बताइए, अगर आप मेक इन इंडिया का जवाब मतलब आप जानती हैं, रेप इन इंडिया का मतलब आप जानती हैं, तो क्या इस चीज का आप मतलब बता सकती है कि जो स्मृति ईरानी जी लोकसभा टीवी पे लोकसभा में बैठ के जो इंटरप्रिटेट कर रही है क्या उस रेप इन इंडिया का मतलब वही है जो स्मृति ईरानी इंटरप्रिटेट कर रही है? लेकिन आप, मैं ये नहीं कह रही कि कौन सही है कौन गलत है, जिसके शब्दों की वजह से बवाल मचा है क्या उसके शब्द सही थे? वो शब्द अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरी पार्टी को लेती हूं तो हम पूरी पार्टी के अनुसार भी अगर आप इन तीन शब्दों का चयन करेंगे तो ये कोई अर्थ नहीं निकालता महिला सम्मान में। आप अगर रेप इंडिया की बात कर रही है तो आपको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन शब्दों को भी देखना चाहिए। आप ये चीज भी तो देखिए ना कि स्मृति ईरानी जी जिस चीज को इंटरप्रिटेट कर रही है क्या उसका वो मंतव्य निकल रहा है? समाज का दिमाग समाज का ध्यान उस चीज की तरफ ले जाने के लिए। देखिए ऐसा काव्या जी, बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि जो पाकिस्तान की भाषा उसको कांग्रेस बोल रही है और कांग्रेस की भाषा विपक्ष बोल रहा है। दुर्भाग्य तो आपके साथ भी बहुत जी, कुछ हो मेरे रहा साथ भी हो सकता है, दुर्भाग्य बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि अधीर रंजन सुनिए, अधीर रंजन चौधरी ने सदन में रेप इन इंडिया कहा था तब तो आप लोग नई बेल के पास खड़े होकर नाराजगी जाहिर करने लगे, राहुल गांधी ने कह दिया तो विरोध करें, पक्षपात क्यों किया आपने? आपको जानकारी होनी चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी ने जब रेप इन इंडिया बोला था उसमें सभी सांसदों ने जब विरोध किया था तो माफी मांगी थी, राफेल के मामले में जो है राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी और इस मामले में भी माफी मांगी। नहीं, आप ये बताइए क्या राहुल गांधी पहली बार ऐसा शब्द बोले? लेकिन ओपी सिंह, लेकिन आप मैं कहता हूँ आप ये बताइए कुछ शब्दों का जो इस्तेमाल किया क्या उसका भाव बताया, उसका भाव बताया पूछना चाहता हूँ क्या जो लोग राहुल गांधी जी की वकालत कर रहे हैं कि इंडिया का अर्थ है कि आप हमारे देश में आके प्रोडक्शन को इंटरनेट करिए, आप हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, फैक्ट्रीज लगाइए और हमारे यहाँ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ेगी, आपको सामान और आपको जगह मिल रही है प्रोडक्शन के लिए, हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए। ठीक है, रेप इंडिया का मतलब बाहर के देशों से हुआ था क्या? बाहर के लोगों की बात के भारत के लोगों को आप कैसे कह देंगे? नहीं, बाहर के लोगों को नहीं कह देंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि किस सेंस में उन्होंने इस बात को कहा है।
आप ये बताइए, उन्होंने ये बताइए कि देश भी तो इसका अर्थ निकालेगा जो उन्होंने रेप इंडिया बोला है, उसका क्या क्या मतलब होता है ये आम आदमी समझता है। हम चाइना पर बैठ करके भाजपा के अलग, विशेषज्ञ के अलग, अलोद के अलग रेप इन इंडिया की परिभाषा कर रहे हैं, लेकिन जो शर्मनाक बयान दिया है वो देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए ये शर्मनाक है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं बोले, भाई आप बताइए काव्या जी, जिसका जो है केंद्र में तूती बोलती थी, 18 राज्यों में सरकार थी, दो दो बार लोकसभा के चुनाव आ रहे, 12 प्रदेशों का चुनाव आ रहे, उस नेता की मनोदशा ठीक होगी? और ये जी, अभी बीजेपी की तूती बोल रही है तो आप कुछ ही बोल देंगे? किसकी बदौलत बोल रही है तूती? किसकी बदौलत बोल रही है? जनता की बदौलत बोल रही है, हमने जनता में काम किया, जनता ने हमको चुना। और विपक्ष क्या कहता है, कांग्रेस कि इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया। अरे भाई 14 में मूर्ख बनाया तो 19 में किसने मूर्ख बनाया? आप कह करके इस बात से असलियत से इनकार नहीं कर सकते। आज संसदीय बात, मैं कहता हूं काव्या जी, आप मुझको याद दिलाइए, भारतीय जनता पार्टी के अगर व्यक्ति ने किसी संसदीय कहा, मैं आपके चैनल पर यही उसकी निंदा और यही निंदा करूंगा, अभी तक नाम नहीं निंदा करूंगा। बलात्कार जैसे मामले पर, संवेदनशील जैसे मामले पर अगर नेतागिरी होगी और राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा, ठीक है, ये कौन सा रूप है, कौन से शब्द है, क्या इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए? काव्या जी, ये देश का दुर्भाग्य, भारतीय राजनीति में ऐसा दिन देखने को मिलेगा गांधी जी ने कभी नहीं सोचा था। दुर्भाग्य नहीं, राजनेताओं का दुर्भाग्य कि उनके मुंह से गांधी जी ने कभी नहीं सोचा था, नेहरू जी ने कभी नहीं सोचा था, डॉक्टर लोहिया ने कभी नहीं सोचा था, जयप्रकाश जी ने कभी नहीं सोचा था कि इस सतही राजनीति हिंदुस्तान में होगी, जिस देश में महिलाओं के लिए सम्मानजनक भाषा का प्रयोग अगर कोई भी पार्टी करती है तो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मेरे ख्याल से अपमानजनक या सम्मानजनक, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि नर और नारी की समानता होनी चाहिए, हम उनका सम्मान करें। ये तो नारी पूजते छत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती वहाँ देवता होते हैं, वो भारत वर्ष का सनातन धर्म है। क्या समझो राजनेता देवताओं को भगाना चाहते हैं भारत से, जबकि हम आध्यात्मिक रूप से सबसे ऊपर हैं, प्रकाशक शब्दों के साथ नहीं जा रहे कि नारियों की जो बात है उसको ले जाकर के संसद के पटल पे जिस तरीके से स्मृति ईरानी का बयान रहा है उसकी निंदा होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, अब तो संसद में चुन करके लोगों ने भेजा है जी, राष्ट्र के इतने बड़े संसद में आपने पंचायत में हम लोगों ने भेजा है, आप इस तरीके की सतही बात करेंगे जी? मानता हूँ सदन में अधिकार है, सदन में अधिकार है महिलाओं को नाराजगी जाहिर करने का, पैसे शब्द का इस्तेमाल महिला के प्रति कर रहे हैं, ये चिंता का विषय नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, जहां द्रौपदी की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध हो गया था, सीता की रक्षा के लिए रावण का वध कर दिया गया था, और उस देश के राजनेता जिस देश की कमान संभालते हैं वो रेप इन इंडिया कह के कहते हैं कि आइए भैया हमारे देश में तो फ्री मिल रहा है सब कुछ, शर्म आनी चाहिए राजनेताओं को। तो देखिए, अगर राहुल गांधी ने इस तरह से कहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और उनको ये बयान कम से कम एश्योर करना चाहिए देश को कि रेप इन इंडिया नहीं है, ये सेफ इंडिया है, भारत में सभी सुरक्षित हैं। इस एक मिनट, अरे एक मिनट नहीं, सवाल का जवाब प्रधानमंत्री क्यों दे? क्यों नहीं देंगे? प्रधानमंत्री किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है बताइए? प्रधानमंत्री देगा नहीं, मुख्यमंत्री देगा नहीं, गृह मंत्री देगा नहीं, तो ये देगा कौन? क्यों गुमराह करने के लिए है क्या? देश को गुमराह करने के लिए क्या? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री जी, थोड़ा सुन लीजिए ठीक है ना, जिस प्रकार से आज तांडव किया है स्मृति ईरानी ने, शायद अगर नहीं, शायद अगर नहीं, आज शायद अगर, अरे अब शांत रहिए थोड़ा सा, आज आपने नहीं, वो देखिए अब बोलने लगे, उनका जमीर कहाँ मर गया था जब यहाँ पर जब उन्नाव कांड हुआ था, हमीरपुर में कहाँ उनका जमीर मर गया था? क्या संकल्प नहीं, जमीर हुआ था, एक बेटी को जलाया गया था, वो क्या संसद में बोल नहीं सकती थी? सब उनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, स्मृति ईरानी को कोई अधिकार नहीं है, एक मिनट, स्मृति ईरानी को संसद में बोलने का, उन्होंने संसद को बोल के ही गलत किया, स्मृति ईरानी ने संसद में बोल के ही गलत किया, संसद में बोलने का कोई अधिकार नहीं है स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी के अंदर जमीर रख रहा था, महिला के प्रति सम्मान रहा था, तो उनको संसद में एक शब्द बोलना चाहिए, उसने खासा तक नहीं खास दिया तो हम समझ गए होते कि महिला के प्रति उसके अंदर सम्मान है। स्मृति ईरानी राजनेताओं में से कुछ निंदा को छोड़कर किसी ने इन घटनाओं पर कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है।
नहीं तो उन भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं का कहां चल गया था जमीर, ये बताइए। आज वो बहुत राहुल गांधी क्यों, के बयान पर गलत, क्या गलत किया हम एक बात मुझे बताइए क्या गलत किया मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ने गलत किया, लेकिन राहुल गांधी के बयान को एक तरफ रख दीजिए। क्या भारत नहीं महिलाएं सुरक्षित है बताइए, अगर राहुल गांधी नहीं भी कहते हैं तो ये बताइए प्रधानमंत्री ने जब रेप कहा था इंडिया को तो प्रधानमंत्री इन सब लोगों का जमीर कहां मर गया था, तब भारत की बदनामी नहीं हो रही थी, भारत की बेइज्जती तो नरेंद्र मोदी ने पहले किया था। और ये लोग कर रही है संसद में जिन शब्दों का स्मृति ईरानी इस्तेमाल कर रही है संसद में, शर्मनाक है वो, वो संसद की कार्यवाही से निकालना चाहिए। अगर आप उनके एक शब्द को सुनेंगे तो प्रधानमंत्री को इसमें बयान देना चाहिए, बयान मांग रहा है, जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी ने कहा मैं मानता हूं अगर गलत किया उन्होंने तो अगर भारत वर्ष में मेक इंडिया की बात हो प्रधानमंत्री क्यों नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिया महिलाएं सुरक्षित है बच्चा सुरक्षित है, सिर्फ इंडिया की बात प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केवल गुमराह करने का देश को काम कर रहे हैं और देश को ऐसे गर्त में ढकेलने का काम कर रहे हैं कि जहां देश सैकड़ों साल पीछे चला जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये बात नोट करके रख लीजिए। और ये स्मृति ईरानी का जमीन कहां मर जाता है जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, महिलाएं जला दी जाती है, महिलाएं मार दी जाती है। और देखिए जंगल राज हिंदुस्तान में नहीं कायम है तो क्या है, पहले बच्चों के साथ बलात्कार होता है और उसके बाद अपराधियों का दुस्साहस इतना बढ़ जाता है कि वो जलाने का भी दुस्साहस करते हैं, जला कर भी सबूत मिटाने का काम करते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जलाने का भी काम करते हैं, अपराधियों को दुस्साहस इतना बढ़ जाते हैं। इस तरह से तो हिंदुस्तान में कल्पना नहीं की जा सकती ना ऐसी कोई सरकार भी पड़े। सुरक्षा की जिम्मेदारी उतनी आपके हाथ में भी है, आप अपने हाथ सरेंडर करके पीछे नहीं हट सकते। बिल्कुल है, सभी लोगों की है, लेकिन जिस प्रकार से आज स्मृति ईरानी चिल्ला रही है, शायद अगर कुछ दिन पहले चिल्लाई होती तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं के बलात्कार के ऊपर रेप में कमी आई होती और लगाम लगी होती। उनको सरकार से अपनी मांग करनी चाहिए कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि वो प्रधानमंत्री जी रातों रात जीएसटी का बिल ला देते हैं और नोटबंदी का ला देते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बिल पास क्यों नहीं करते हैं कि अपराधियों के रूह अंदर तक कांप जाए और बलात्कार करने तक सोचने तक के बारे में ना सोचे। कलना तो दूर, क्या सोचा इस बारे में फिर? आपने क्या सोचा? कानून बनाए प्रधानमंत्री कह रही है कि बनाए कानून ऐसा, क्यों नहीं प्रधानमंत्री कानून बना रहे हैं देश को उलूल जुलूल बातों में फंसा रखे वो केवल, क्योंकि समानता का अधिकार भी और सम्मान का अधिकार भी है। यार को इन छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। बोल क्लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त।